तो ये आ चुकी है हमारी सुबह की चाय। और आज सबसे पहले उठ के चाय पीने आए, ना कुछ के हाथ मुंह कुछ नहीं धोया, बस पहले चाय। भाई ये डॉग ऊपर आ गया चढ़ के वहाँ सीढ़ियों से, देखो वहाँ से आया है। इसके पीछे पीछे एक और आया है वो ब्लैक कलर का, वो भी दिखा नहीं कहाँ गया, लेकिन ये अपने आप आ गया। तो दोस्तों नए दिन की शुरुआत करते हैं और नई वीडियो के साथ, जय भोले जय शंकर। तो अभी टाइम हो चुका है 1 बजे से ऊपर हो चुका है, तो अभी कुछ खा पी के धर्मशाला में रूम लेके अभी निकला हूँ। और आज का प्लान ये है कि अभी माल रोड पे भाई जो मार्केट वगैरह बंद है, साइकिल की दुकान भी बंद है, तो आज उसका कुछ नहीं हो सकता, ना उसके मतलब रिम मिल सकते, ना उसको ठीक हो सकता। अभी भाई की दुकान बंद है साइकिल वाली, और आज जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल जोगिनी फॉल। अगर मन हुआ तो आगे जाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। भाई ये जो रास्ता जा रहा है सोलांग वैली वाला रास्ता, और मनाली जो बस स्टैंड है यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में है वशिष्ठ टेम्पल, उससे थोड़ा सा आगे है जोगिनी फॉल। तो भाई अभी हमने यूज़ किया शॉर्टकट, और जितना शॉर्टकट यूज़ करते हैं उतनी चढ़ाई आती है, सीढ़ी वाली चढ़ाई है, प्लेन वाली चढ़ाई है। इसके दो रास्ते, एक तो ये है शॉर्टकट, आपको पेट्रोल पम्प दिखेगा सोलांग वैली जाते हुए पहला ही, उससे थोड़ा सा आगे आओगे ना दीवार पे लिखा वे टू वशिष्ठ, तो वहाँ से मुड़ जाओ। और दूसरा रास्ता था जहाँ से ऑटो वगैरह जाते हैं, कार वगैरह। तो अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ से मंदिर शुरू हो जाते हैं। ये है शिव मंदिर, और अंदर है वशिष्ठ मंदिर, और आगे है जहाँ पे आप नहाओगे, अंदर से भी नहाने का, लेकिन बाहर जूते वगैरह आपको निकालने पड़ेंगे। देखो ये हेलो और ऊपर है राम मंदिर। जिस टाइम मैं यहाँ पे आया था उस टाइम बर्फ गिरी हुई थी, और बर्फ में ही घूम रहा था नंगे पैर। तो भी यहाँ पर अभी जूते निकाल लेंगे, और पहले शायद ये पैसे नहीं लेते थे, अब कि बाहर लेने लगे 5 रुपये जोड़ी है, तो हम तो 2 बंदे हैं तो 10 रुपये लग जाएंगे। कोई नहीं भाई, इतनी दूर तो दर्शन कर लेंगे, नहीं तो मैं तो सोचा था किसी दुकान के वहाँ पर रख देते, लेकिन कोई फिर 10 रुपये में क्या होगा। अभी चल रहे भाई मंदिर के अंदर, और भाई भीड़ तो बहुत आज। भाई मंदिर का द्वार बंद है, ये देखो यार द्वार पीछे जहाँ पे फोटो क्लिक करी ना, ये मंदिर है और आज द्वार बंद है, ताला ही लगा रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बंद है। तो ये है महर्षि वशिष्ठ कमेटी। ये मंदिर है और आज मंदिर का द्वार बंद है, पता नहीं किस रीजन से है, यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा लोकल बंदा जो भी जिसे पूछ सकूं। और मंदिर के बराबर में है गर्म पानी का कुंड, जहाँ पिछली बार मैं नहाया था, और अगली बार देखते भाई कितना गर्म है पानी, क्योंकि जिस टाइम में जिस हाय हाय नहा रहे भाई बंदे, नहाएंगे एक बार सिद्धार्थ भाई नहा लें, उसके बाद हम नहा लेंगे, क्योंकि नहा तो इकट्ठे ही सकते हैं, लेकिन पहले उसको नहाने दो यार, उससे पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर हो रखा है पानी का। जब मैं नहाया था पिछली बार उस टाइम ठंड थी, बर्फ़ गिरी हुई थी, अब तो धूप इतनी तेज़ है, गर्मी पहले है और ऊपर से गर्म पानी हो रहा है, मतलब गर्मी गर्मी मिक्स हो रखी है। डुबकी लगाओ डुबकी, हाँ है इसकी हालत टाइट हो रही है, ए लगाती है डुबकी लगा तो ली। सही है, चलो भाई भाई ना ना ये सही कह रहे भाई, बहुत गर्मी है और पानी बहुत ज्यादा गर्म है, एकदम जब निकलूंगा तब देखना कितना लाल हो गया, और निकलूंगा अभी पैर तो लाल हो गए एकदम, और यहाँ 2 लड़के आ चुके हैं वो तो पूरे लाल हो रखे, ऐसे हो रखा है जैसे आग से नहीं जल जाते हैं, वैसे आ गया टेम्परेचर। अब ठीक है, वैसे नॉर्मल हो रखा है, इतना अभी तक पानी में डूबा हूँ मैं, इतना अभी
ये बचा है पेट, लेकिन बहुत बड़ा वो सही है। वो पहले ही नारियल तो 3-4 उसको लगा दी। एक बार कोशिश करते हैं, ये भी तो नहीं चल रहा। मतलब मन चल भाई, खुल जाएगी बता। मैं बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा दल रहा है शरीर, जैसे पानी में जाता है। यहाँ तक तो चला गया, अभी सिर बचा रहा बस भाई। तो भाई अभी मस्त नहाना धोना हो गया है, और अभी द्वार नहीं खुला था टेंपल का, तो अभी जा रहे हैं जोगनी फॉल, जो कि ऐसे थोड़ा ही है। आते हुए भी इसी रास्ते से आना, तो अगर खुला मिल गया द्वार तो दर्शन करके निकल जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा नीचे माल रोड। तो भी यहाँ से जोगनी फॉल बचा है सिर्फ 300 मीटर, और चढ़ाई तो यहाँ भी है। मुझे लगा था पीछे झरना बह रहा था, मतलब पानी आ रहा था, वो तो लगा यार आ गया लेकिन वो तो वैसे ही आ रहा था पहाड़ों में से पानी निकल के। अभी असली मेन तो ये जो जंगल है ना, पेड़ पौधे, इनको पार करने के बाद आएगा। और पिछली बार जब आया था मैं अकेले ही यहाँ से आ रहा था, इतना डर लग रहा था मेरे को क्योंकि सुनसान हो रखा था। अभी तो यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगी हुई है और काफ़ी लोग जा रहे हैं, जैसे वो जा रहे, देखो उधर जा रहे हैं, मेरे पीछे भी आ रहे हैं। भाई इस वाले रास्ते में ना आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, अभी ये लास्ट में शायद मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ, पीछे भी बहुत सारी मिलेगी और रास्ते में आपको ढाबे वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। ये जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट है सब हैंडमेड है, ये देखो मैम बना रही है यहाँ पे, और ये बनाने का तरीका बहुत अलग है। मतलब ये बैंड है जो हाथ वगैरह मैंने पहनते हैं वो सब बैंड है ये, और ये लोकेट, क्या लोकेट नहीं है, बालों में लगाते हैं शायद इनको। पहुँच गए भाई जी, और आज पीछे जोगनी वाटरफॉल, और बस जितनी गर्मी वहाँ पे ले बनी थी ना नहाने के बाद में गर्म हो गया था शरीर, आते आते इतनी गर्म ही हो गई थी मतलब शरीर में, अब यहाँ पे आके ठंडी लग रही क्योंकि पानी है और हवा चल रही है। भाई वो रहा सामने, अब आ चुका मैं इसके नज़दीक, और यहाँ पर आज वो कितनी भीड़ हो रखी है, मतलब फैमिली आ रखी है और यार दो जितने भी सब आ रखे हैं, सब के सब अभी जूते उते निकालेंगे और वो आगे जाके फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। इतना ख़तरनाक लग रहा है यहाँ सामने से जो आ रहा है ना, इसका प्रेशर से पानी, वाह यार, और यहाँ तक आ रखा है पानी, ये देखो ना है तो सकते नहीं यहाँ पे ऐसे ही पैर डुबो के खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी में। तो
भी अभी जा रहे हैं वापस। बहुत टाइम हो गया यहाँ पे आके, रील वील शूट किया है और वीडियो बनाई है। इतनी खतरनाक लोकेशन देखो जहाँ पे वो भाई बैठे हैं, वहाँ पे बैठ के, लेकिन सेफ्टी से, सेफ्टी का जो ध्यान, क्योंकि हवा से अगर बैलेंस बिगड़ गया तो चोट लग सकती है और बहुत बुरी लगेगी भाई चोट। तो अभी जाते हैं नीचे और एक तो काम उसको भी कर लेंगे, और भूख लगती है भाई मुझे तो बहुत, जोर से प्यास भी लग रखी है। तो अभी जाते हैं, मिलते हैं। तो अभी आते हुए जिस रास्ते से हम आए थे, अभी हमने रास्ता चेंज कर दिया है। ये रास्ता मेरे लिए नया है, मतलब यहाँ से हाईवे पे आपको छोड़ दे, हाईवे से सीधा ही आएगा घूमते फिरते हुए जहाँ, और यहाँ पे तो देखो बाइक वगैरह भी आ रखी है यार, मतलब ये रोड है। और हम आ रहे थे वहाँ ये जंगलों को पार करते हुए, ऐसे ट्रैकिंग करते हुए भाई आखिरकार पहुँच गए थके हारे माल रोड। अभी जरूरत है एनर्जी की भाई, पानी वानी की इतनी प्यास लग रखी है, अभी पानी वानी पियेंगे और उसके बाद पियेंगे चाय। अभी देखो माल रोड पे कुछ दुकानें खुली है और अब तो भीड़ भी हो गई है।